हेलो गाइस, मेरा नाम है सचिन चौहान। आप देख रहे हैं इंग्लिश सचिन। तो अपने चैनल में सभी का स्वागत है। तो आज अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं कि YT स्टूडियो में नया अपडेट आया हुआ है और वो कौन सा है और कैसा है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलो फिर जाते हैं YT स्टूडियो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपना यहाँ पे YT स्टूडियो है। तो पहला अलग अलग था सेटिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अपना YT स्टूडियो अपडेट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अपने को ह्यूज, ये देखिए यहाँ पे ह्यूज दिखा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे वॉच टाइम दिखा रहे हैं। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे अपने को नीचे वीडियो दिखा रहे हैं। तो पहले क्या था, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट अपना वॉच टाइम ह्यूज सब कुछ यहाँ पे दिखा रहे थे अच्छे तरीके से पूरे के पूरे। और यहाँ पे क्या किया हुआ है, अब अलग अलग किया हुआ है। उसके बाद ये देखिए नीचे तो वैसे वैसा ही थे। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे कुपरे में मोनोटाइज का ऑप्शन अपने को मिल रहा है। यहाँ पे मोनोटाइज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अपना कितना वॉच टाइम, और ये देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अपना वॉच टाइम कितना रहा है, उसके बाद यहाँ पे अपना सब्जेक्ट कितना रहा हुआ है, ये दिखा देते हैं इसमें। तो अपने को कुछ क्रोम बाजार में जाने का काम नहीं, अपना वॉच टाइम देखने का काम नहीं है कि अपना वॉच टाइम इतना रहा है उतना रहा है, वैसे भी कुछ नहीं है। और यहाँ पे ये भी अच्छा अच्छे भाई साहब, बहुत ही बड़े अपडेट है, बुरा अपडेट नहीं, बहुत ही बड़े अपडेट है। तो आपने अभी तक अपडेट नहीं किया YT स्टूडियो, तो जाइए प्ले स्टोर से आप अपडेट कर सकते हो, और बहुत ही बड़े अपडेट आया हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद पड़ा होगा, तो एक लाइक कीजिए। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं होंगे तो लाल लाल बटन यार उसको जोर से दबाइए। हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो लाते रहते। तो चलो फिर मिलते अगले नेक्स्ट वीडियो में, फ्रेश वीडियो में।